नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अभय मित्तल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का उड़ान इन्फिनिटी पर। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो CDS 2020 के एग्ज़ाम में फिजिक्स से आए थे। अब मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही होगा CDS 2020 का एग्ज़ाम अभी अभी 8 नवंबर को हुआ था और फिजिक्स का जो लेवल था वो इस बार मॉडरेट लेवल था और जो क्वेश्चन थे वो एज एवरेज हर साल की तरह 10 क्वेश्चंस टू 12 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है और 10 क्वेश्चंस इस बार फिजिक्स के एग्ज़ाम में आए थे। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उड़ान इन्फिनिटी आपके लिए एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहा है CDS प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है MID 21। जी हाँ, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटीड बैच फॉर CDSE 2021। दोस्तों, ये बैच हमारा जो है लॉन्च होने जा रहा है 22 नवंबर 2020 को और इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। इन सभी रजिस्ट्रेशन के लिए या और किसी जानकारी के लिए आप नीचे चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मैं आपको इस बैच की खासियत बता देता हूँ। उड़ान इन्फिनिटी ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि आपको सिर्फ रिटर्न ही नहीं, पूरे आपके SSB की जर्नी में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आगे तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रिटर्न जो है इसके लिए तो हम आपको एक बहुत एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपको जो गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाएंगे ही, लेकिन साथ में यहाँ पर है इस पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, एक ऑफर। वो ऑफर क्या है? वो ऑफर ये है कि अगर आप उड़ान इन्फिनिटी के साथ जुड़ते हैं और आप CDS का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है 7 फरवरी को जो होने जा रहा है, 7 फरवरी 2021, ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम को अगर आप फिर क्वालिफाई करते हैं उड़ान इन्फिनिटी से जुड़ने के बाद, तो आपका जो SSB की प्रिपरेशन है वो रहेगी हमारी तरफ से फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो रहेगी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप कितनी अच्छे से मेहनत करते हैं और उड़ान इन्फिनिटी से जो गाइडेंस है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, जिससे आप CDS का जो है उसको कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, ये थी जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था हमारे बैच के बारे में। मैंने फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में अपना शुरू करते हैं। ये था CDS 2020 में आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिक्स का केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिंपल से फॉर्मूले, बहुत सिंपल से फॉर्मूले। वो फॉर्मूला क्या है कि लीनियर मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर एम का मतलब है मास और वी का मतलब है वेलोसिटी। इतना जो है आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सेकंड है कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये लीनियर मोमेंटम जो है ये डबल्ड हो गया, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम डबल्ड का मतलब हो गया कि ये पी की जगह पर क्या हो गया आपका 2p। तो देखते हैं दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पी की जगह क्या हो गया हमारा 2p हो गया। इट मीन्स क्या है, हमारा जो एम वी था वो एम वी की जगह पर क्या हो जाएगा, एम इंटू 2v। अब दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैसे पता लीनियर मोमेंटम डबल हो रहा है, तो मास डबल हो रहा है या वेलोसिटी डबल हो रहा है। लेकिन ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते करते वो अपना मास लूज नहीं करनेगा। हाँ, मूव करते करते वेलोसिटी गेन कर सकता है या वेलोसिटी लूज कर सकता है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर ये वेलोसिटी डबल होगी। ये अजम्पशन आपको मानना पड़ेगा इसमें। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो दोस्तों, जो कैसी काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली होनी चाहिए, बट अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखते हैं। तो ये सपोज करिए, ये जो हमारा पी डैश था, यानी जो न्यू मोमेंटम है वो था हमारा डबल होने के बाद है। अब डबल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी के डैश, एंड इट विल बी हाफ एम, और वी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2v होल स्क्वायर एज इट इज। आंसर मिलेगा यहाँ से हाफ एम 4v स्क्वायर, यानी कि 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये रिजल्ट मिला मुझे हाफ एम इंटू, सॉरी, ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से एम इंटू 2v स्क्वायर। अब दोस्तों, ये जो एम इंटू 2v स्क्वायर है, आप जानती हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं के डैश इक्वल्स टू 2 इंटू एम वी स्क्वायर, यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं 4k। अगर आप इसको
ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से इसको कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आया मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ, यू कैन राइट इट एज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू फोर, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे। इसलिए हमारा हो गया ये पार्ट हमारा हो गया के और ये पार्ट हो गया हमारा फोर। तो यानी कि आप देख सकते हैं के डैश जो है वो के का फोर टाइम्स है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है फोर टाइम हो जाती है। तो यू कैन डायरेक्टली टिक ऑप्शन बी। और चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स, हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द अल्ट्रा लाइट वॉलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। तो अल्ट्रा वॉलेट लाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा ये नॉट करेक्ट जो होता है इसको नॉर्मली यूपीएससी में जो है प्रॉपरली यूपीएससी इसको कैपिटल में लिखता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये गलती आप अगर कैपिटल देखने के बाद भी करते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। कैपिटल के बाद आपको बता लेना चाहिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है ना कि करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेकंड ऑप्शन है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल वेव और फोर्थ इसकी वेवलेंथ के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे सारे रेडिएशंस होते हैं रेडिएशंस उन रेडिएशंस में से ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारी सारी रेडिएशंस में से होती है। अब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से एक अल्ट्रावॉलेट है उसी में हमारी लाइट वेव होती है। जी हाँ लाइट वेव भी एक रेडिएशन का टाइप है और इन रेडिएशंस की खासियत होती है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, जी हाँ बिना मीडियम के रेडिएशन ट्रैवल कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, मैंने अभी आपको बोला रेडिएशन जो हमेशा बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम मीन्स कोई मीडियम नहीं है कोई मैटर नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन है रेडिएशन कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, सो यस इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और फोर्थ है इट्स वेवलेंथ इज शॉर्ट एंड स्मॉलर देन विजिबल लाइट। अभी जो वेवलेंथ वाला ऑप्शन है ना वैसे तो आपको थर्ड ऑप्शन आप यहीं से पता कर सकते हैं, पर ये जो वेवलेंथ वाला ऑप्शन है इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक टेबल है, ये टेबल आपको आसानी से जो है आपकी जो एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगी, लास्ट चैप्टर में टेबल दी हुई है। ये टेबल आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्यों ये टेबल आपको पता होनी चाहिए? क्योंकि हर साल फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में जो सीडीएस का क्वेश्चन पेपर आता है या जो एनडीए का आता है उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 जिनमें कि वेव्स का यूज़ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि ये हमारी जो टेबल है इसमें यहाँ पर आ रही है हमारी ये अल्ट्रा वायलेट रेज और यहाँ पर हमारी लाइट वेव। तो आप जरा बताइए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये आप देख सकते हैं लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है हमारी अल्ट्रा वायलेट से, क्योंकि लाइट वेव की सबसे शॉर्टेस्ट होती है 400 mm और अल्ट्रा वायलेट में तो स्टार्टिंग होती है 400 mm से, यानी कि लाइट वेव की वेवलेंथ इससे ज़्यादा है। वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इट्स वेवलेंथ शॉर्टर एंड स्मॉलर देन विजिबल लाइट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो ये कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी रेडिएशंस होते हैं ना, जैसे कि जितने भी रेडिएशंस दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, उसी तरह मैं ये भी एक पहचान रहता हूँ ऑल द रेडिएशंस आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव इनमें से कोई भी नहीं होती है, ये सारे हमारे होते हैं जितने रेडिएशंस होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। यानी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना आपने अभी टेबल में देखा वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है आपके, ये जो आपने देखा ये सारे सारे क्या है हमारे ट्रांसवर्स वेव्स। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके थे जैसा आपने देखा होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई सी एंड द स्पीड इन द मीडियम इज वी देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अब इसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है उसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल बी इन द विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। अब कौन लाइट रे को लार्जेस्ट एंगल से बेंड करेगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए हमेशा इसमें याद रखिए कि फोकस लेंथ जितनी ज़्यादा होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग एंगल। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप ऑप्टिक्स को लेकर कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा कभी भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा स्पेशल गाइडेंस आपको सिर्फ मिल सकता है उड़ान इन्फिनिटी की एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही,
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उड़ान इन्फिनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए किसकी फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 2.5 डायोप्टर। 2.5 डायोप्टर वाले ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ है, पावर है, तो इसीलिए यानी जो है वहाँ पर बेंडिंग एंगल हाईएस्ट होगा। अगर आपको डाउट हो कि यहाँ पर ये पावर दी हुई है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, फोकल लेंथ 1/f जो होता है वही फॉर्मूला होता है पावर का, बस आप इस फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे। तो यानी कि पावर हो या फोकल लेंथ हो, जो कुछ भी ज़्यादा है, बेंडिंग एंगल सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द इमेज ऑब्टेंड इन द स्क्रीन इज। अब देखिए आपको उस इमेज को ये नहीं बताना इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, आपको सिर्फ उसका नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए देखिए आपको क्या है, यहाँ पर अच्छे से आपने रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस किया हुआ जरूरी है, सारे रे डायग्राम, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉनकेव मिरर का हो, कॉन्वेक्स लेंस का हो या कॉनकेव लेंस का हो, ये रे डायग्राम आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली इमेज दिखा देता हूँ कि इसका जो है रे डायग्राम किस तरह का होगा। देखिए दोस्तों इस तरह का रे डायग्राम होगा, क्यों होगा मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ उसका। यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ है आपकी 25 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 40 सेंटीमीटर, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रे डायग्राम बनेगा उसमें फोकल लेंथ के भी यहाँ जाकर के आपको जो है ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे इमेज मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आपको इसकी इमेज का देख करके बताना है क्या होगा। तो आप इसकी इमेज देख करके बता सकते हैं कि ये जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो आपकी बनेगी इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। जी हाँ बिल्कुल, जो कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपका, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा, या हमेशा ध्यान रखिए आपको रे डायग्राम्स प्रैक्टिस किए होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, जैसा कि हमने अभी रे डायग्राम में देखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये देखिए ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक ग्लास मीडियम है और ग्लास मीडियम के नीचे हमारा वाटर है। अब ये हमारी नॉर्मल होगी, अब ये पूछना चाहता है अगर लाइट ऐसे 0 डिग्री पे एंटर करी, ये 0 डिग्री यानी नॉर्मल से ही एंटर कर रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये पूछना चाहता है। देखिए वैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से भी आपको आंसर मिल जाएगा, मैं आपको दोनों अप्रोच बताता हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे ही चला जाएगा, बट फिर भी हम जो फॉर्मूला वाली अप्रोच से देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों तो फॉर्मूला वाली अप्रोच से आपको ही पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज रेशो ऑफ एन इज रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का मतलब यहाँ पर होता है एक्चुअल में, इस एन का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, एन टू यानी ग्लास का, सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए हमें इनकी वैल्यूज ना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दैट इज गिवन एज 0। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन साइन आर। अब आपको पता होगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन आर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे साइन आर, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, तो इसका मतलब आर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि ये जो आपको यहाँ से ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री विल बी द राइट आंसर, यू कैन टेक इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फिनोमेना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। अब आपको बताना किस फिनोमेना से आपको पता चलता है कि हाँ लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से फास्ट है। देखते हो फर्स्ट ऑप्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन नाइट स्काई। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होती है वो एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो उसका स्पीड और लाइट की और साउंड के कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है। लाइटनिंग और मैच स्टिक जो है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड फिनोमेना है, फ्रिक्शन और हीट। तो यहाँ पर भी उसका स्पीड और जो है लाइट और साउंड उससे कोई नहीं है। और मिराज जो है, जो मिराज जो होता है हमारा, वो होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, TIR। तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं, नहीं तो आपको डायरेक्टली पता है थंडरस्टॉर्म जब भी हमारा होता है तो आपने देखा होगा थंडरस्टॉर्म के समय हमेशा आपको पहले लाइटनिंग स्ट्राइक दिखती है, उसके 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको साउंड सुनाई पड़ती है। इसका मतलब लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा है, तभी आपको लाइटनिंग स्ट्राइक दिखती पहले, सुनाई बाद में पड़ती है। तो ये जो है सी ऑप्शन
थंडरस्टॉर्म, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। शार्पेस्ट शेडो का मतलब क्या हो गया कि स्क्रीन पर जो है आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, वो हो गया शार्पेस्ट शेडो का मतलब। अब देखिए यहाँ पर है, अब पॉइंट सोर्स एंड एन ओपेक स्क्रीन। पॉइंट सोर्स का मतलब हो गया पॉइंट यहाँ पर है और ये यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। सेकेंड हो गया एन एक्सटेंडेड सोर्स एंड एन ओपेक स्क्रीन, यानी ये जो है स्क्रीन जो है ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड हो गया। अब देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उस पर उतनी ज़्यादा लाइट की रेज जानी चाहिए, यानी बहुत सारी जितनी ज़्यादा लाइट की रेज यहाँ से पास होकर के जाएंगी और इससे रिफ्लेक्ट होंगी उतनी ज़्यादा आपको शार्प इमेज मिलेगी, बट आपको ज़्यादा लाइट की जरूरत है। थर्ड है अब पॉइंट सोर्स एंड ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। अब एक चीज़ बताए, स्क्रीन ही ट्रांसपेरेंट है तो उस पर इमेज कहाँ से बनेगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी तरह डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ भी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है। ए और बी में अगर हम कंपेरिजन करें तो जहाँ पर पॉइंट सोर्स है, सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक रे उसके थ्रू चाहिए, उसके थ्रू जो भी इमेज आपको दिखेगी वो, सपोज करिए आपको ऐसी इमेज यहाँ पर दिख रही है तो वो भी आपको सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में ही दिखेगी। ये आपका हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका इमेज, तो ये इसका सही ऑप्शन है ए, कि जहाँ पर पॉइंट सोर्स होगा और ओपेक स्क्रीन होगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब दोस्तों देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमें क्या है इस कन्फ्यूजन को भी अवॉइड करना है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा वो कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं पेट्रोलियम है वो कन्वेंशनली हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी देयर। कोल जो है उसके साथ भी सेम कंडीशन है, दिस कैन नॉट बी देयर। थर्ड क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं कि चलिए वो बहुत टाइम से शायद कन्वेंशनल में नहीं था, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम जो एनर्जी बना रहे हैं वो शायद अभी 10-20-50 साल की बात होगी, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी खुद निकल रही है वो बहुत पुरानी बात है, और वो तो जब से अर्थ थी तब से है। तो यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो वो भी हमारा कन्वेंशनल में आएगा, तो सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन इस बार CDSE के एग्जामिनेशन में आए थे। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के इस एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया हमारा जो स्पेशल बैच है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो CDSE एग्जामिनेशन या NDA जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और प्लीज़ हमारे उड़ान इन्फिनिटी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबाएँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।